Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will discuss about art therapy. ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है. ये क्वेश्चन मतलब 3-4 बार तो रिपीट ही हुआ है पिछले 5 सालों में, तो इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है. और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसके स्टेप्स और ट्रीटमेंट क्या है, टेक्निक्स क्या यूज़ की जा सकती है, व्हाट इज़ आर्ट थेरेपी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. और ड्रामा थेरेपी के भी आते हैं, उसको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. सो लेट्स बिगिन. तो आर्ट थेरेपी होती क्या है? आर्ट थेरेपी को एक्सप्रेसिव थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है. ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिससे कि लोग अपने थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्ट. ओके, तो ये जो थेरेपी है ये सबसे पहले सिग्निफिकेंस अटेंशन मिली थी फ्रायड एंड जुंग को 1980s में. ओके और इस थेरेपी को एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया गया था 1960 में. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो 1996 में अमेरिकन आर्ट थेरेपी एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन दी थी जिसमें इन्होंने बताया कि एक्चुअली में आर्ट थेरेपी होती क्या. तो आर्ट थेरेपी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ आर्ट मेकिंग इज़ हीलिंग एंड लाइफ एनहेंसिंग सॉरी ये 2 बार रिपीट हो गया, एंड इज़ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स. ठीक है, यूज़ ऑफ आर्ट थेरेपी क्या यूज़ है? एनकरेज पर्सनल ग्रोथ, इंक्रीज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, टू असिस्ट इन इमोशनल रिपरेशन. और ये किसके किसके ऊपर यूज़ की जा सकती है? चिल्ड्रेन, अडल्ट्स, ग्रुप एंड फैमिली एसेस. ओके, क्यों की जाती है? जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अदर मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, फिजिकल, कॉग्निटिव, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये तीनों एक ही हैं. साइको सोशल डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू मेडिकल इलनेस. ओके, आर्ट थेरेपी प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ पर मिल सकता है आपको? हॉस्पिटल्स में, किसी क्लिनिक्स में मिल सकता है, पब्लिक एंड कम्युनिटी एजेंसी, कुछ एजेंसी ऐसी होती हैं जो इसको ऑर्गेनाइज़ कराती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी मिल सकता है, बिजनेस एंड प्राइवेट प्रैक्टिसेस में भी मिल सकता है, होती हैं. अब स्टेप्स क्या हैं उसको हम डिटेल्स में देख लेते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार आ चुका है. बेसिकली क्या है? इन्फॉर्मेशन गेन करना कि क्लाइंट के ऊपर थेरेपी यूज़ की जा सकती है या नहीं, अप्लाई की जा सकती है या नहीं, करेक्ट. ट्रीटमेंट इन द बिगनिंग. ट्रीटमेंट इन द बिगनिंग में क्या करना है? पहले सबसे पहले असेसमेंट में हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ इस क्लाइंट के ऊपर आर्ट थेरेपी को यूज़ किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है. तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे, तो उसमें करेंगे ट्रीटमेंट इन द बिगनिंग जिसमें हमें रेपो क्रिएट करना है क्लाइंट के साथ. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? इंट्रोड्यूस आर्ट थेरेपी, थेरेपी के बारे में हमें बताना है और कौन सी थेरेपी हम यूज़ करना चाहते हैं उसे बताना है. और इसी में साथ आप क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं जिसका आंसर आपको देना होगा. इंट्रोड्यूस आर्ट थेरेपी में सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. ओके, डूइंग सम आर्ट वर्क, इसी में आप थेरेपिस्ट को क्या करना है? सजेशन देना है डूइंग सम आर्ट वर्क के लिए. ठीक है, क्लाइंट को क्लाइंट फील्स एज कंफर्टेबल. अब आते हैं मिड फेज ऑफ ट्रीटमेंट. सेकेंड स्टेप के बाद ये थर्ड स्टेप है, मिड फेज ऑफ ट्रीटमेंट. इस ट्रीटमेंट में क्या करना है? एस्टेब्लिश डायरेक्शन एंड बाउंड्रीज, बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल. ठीक है, क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज होनी चाहिए. ठीक है, थेरेपिस्ट मस्ट कस्टम फिट द आर्ट थेरेपी फॉर ईच इंडिविजुअल क्लाइंट. दैट मीन्स कि हर एक क्लाइंट के साथ मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया कि बहुत टाइप्स की आर्ट थेरेपी होती हैं और हर एक इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थेरेपी हम अप्लाई करेंगे। ओके, लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या है? एंड ऑफ द सेशन, एंडिंग ऑफ द सेशन। तो इसमें क्या करना है, अगर क्लाइंट जो है वो हैप्पी नहीं है तो इस सेशन को वो क्या कर सकता है, एंड कर सकता है। बट थेरेपिस्ट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो आर्ट बनाता है, फोकसिंग ऑन इट्स इम्पॉर्टेंट एंड डिस्कसिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग फीलिंग एंड बिहेवियर ड्यू टू द पेंटिंग एंडिंग ऑफ द सेशन। ठीक है, तो इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है एंडिंग ऑफ द सेशन में। ओके, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आर्ट थेरेपी टेक्निक्स। ये बहुत बार पूछा गया है, सो बी केयरफुल। तो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, 4-5, ठीक है। तो फर्स्ट टेक्निक्स जो है वो एक्सप्लोरेशन टास्क, ठीक है। सेकंड है रेपो बिल्डिंग, ओके। थर्ड है एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग्स। फोर्थ है सेल्फ परसेप्शन और फिफ्थ है इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड लास्ट है द इंडिविजुअल प्लेस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट जो थेरेपी है उसमें क्लाइंट क्या करता है, खुद को एक्सप्लोर करता है विद द हेल्प ऑफ आर्ट। और रैपो बिल्डिंग में क्लाइंट और थेरेपी का रैपो नहीं है इसमें ये है कि जो ग्रुप मेंबर हैं जिसमें वो आर्ट थेरेपी कर रहा है, वो ग्रुप मेंबर्स के आपस की जो रैपो होती है वो बिल्डअप करना है इसमें। एक्सप्रेशन ऑफ द इनर फीलिंग्स, वो इंटरनली कैसा फील करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो थर्ड टेक्निक्स में है। एंड फोर्थ टेक्निक्स में सेल्फ परसेप्शन, कि वो अपने लिए किस तरीके का परसेप्शन रखते हैं जो क्लाइंट होते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशंस, मतलब कि दूसरों के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है उनका। इंटरपर्सनल रिलेशन में एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जैसे कि एक माँ का अपने बच्चे के साथ होता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि पेरेंट्स का उसके बच्चे के साथ होता है, ठीक है। एक नेबर का उसके नेबर के साथ हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप है। तो उसको इस टेक्निक्स के थ्रू उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जाना जा सकता है। और द इंडिविजुअल्स प्लेस इन द वर्ल्ड, वह अपने आप को वर्ल्ड में कहाँ पे प्लेस्ड करता है, ठीक है। तो इस टेक्निक्स के थ्रू हम ये जानेंगे। तो चलिए 1 by 1 इसको डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है स्क्रबल टेक्निक्स और ऑटोमेटिक ड्राइंग। स्क्रबल टेक्निक्स मीन्स कि अगर पेंसिल दे दी जाती है और पेज दे दिया जाता है, उस पर क्या करना होता है, ड्राइंग करनी होती है। और ऑटोमेटिक ड्राइंग मतलब कि पेंसिल को बीच में उठाना नहीं होता है। एक बार अगर आपने पेंसिल पेपर पे रख दी तो उसी के बेस पर आप ड्राइंग कर रहे हो, तो जिससे वो खुद को एक्सप्लोर कर सकता है कि जो उसके इंटरनली माइंड में जो भी चल रहा है वो आप अपनी उस फीलिंग को एक्सप्रेस को वहाँ पे शो कर सकता है। फ्री ड्राइंग, कुछ भी ड्रॉ कर सकता है वो, अपनी आप को एज अ मिरर, खुद को जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वो सारी चीज़ें जानने के लिए इस टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ड्राइंग कंप्लीशन, ड्राइंग कंप्लीशन में क्या किया जाता है कि पेशेंट को एक या एक से ज़्यादा पीसेस ऑफ पेपर दे दिए जाते हैं, उसमें कुछ लाइंस या सैम्पल्स पहले से ही बने होते हैं और उस लाइंस और सैम्पल्स को उनको एक पिक्चर क्रिएट करनी होती है सारे पेपर्स को मिला के, ठीक है। तो ये एक्सेलेंट टेक्निक्स है फॉर अ ग्रुप डिस्कशन टॉपिक। ओके, नेक्स्ट आते हैं रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग में कन्वर्सेशनल ड्राइंग, मतलब कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन के आमने सामने बैठा दिया जाता है और जो भी ड्राइंग की जाती है, जिस तरीके कलर्स, लाइन, शेप, इस तरीके का कम्युनिकेशन होता है कि ऐसे करो वैसे करो इससे ये ड्राइंग अच्छी बनेगी। तो इस तरीके का क्या होता है, एक कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है दोनों मेंबर्स के बीच में, क्योंकि कभी कभी ऐसा माना जाता है कि जो पेशेंट है वो अगर अकेले ड्राइंग को करता है तो वो आइसोलेशन मतलब अकेला फील करता है, अगर वो अपने मेंबर के साथ ऐसा करेगा तो वो फीलिंग उसकी दूर होगी। ठीक है, पेंटिंग कंप्लीशन बाय द ग्रुप, इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप को ग्रुप से पूछा जाता है किसी एक चीज़ के बारे में, एक ऑब्जेक्ट के बारे में, उनकी किसी स्पेशल फीलिंग्स या इवेंट्स के बारे में उसको ड्रॉ करना होता है। और उस ड्राइंग में जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो अपनी किसी भी फीलिंग्स को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस टेक्निक्स के थ्रू ये पता चलेगा कि जो पर्सन है वो दूसरों के बारे में कैसा सोचता है, मतलब कि वहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हैं, सबके बारे में उसे बताना कि हम इस पर्सन के बारे में कैसा फील कर रहे हैं और उसी चीज़ को उसको ड्रॉ करना। तो इस तरीके से उसके जो सर्कमटेंसेस में जो लोग रहते हैं उनके बारे में पता चलता है कि कैसा फील करता है लोगों के बारे में। पेंटिंग विद एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से ही पता चल गया होगा कि एक दूसरे की पेंटिंग को देखना, उसको देखकर दूसरों की पेंटिंग को फिर अपनी पेंटिंग को क्रिएट करना, ये एक्सरसाइज जो है प्रमोट करती है डिस्कशन ऑफ फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी एंड ऑटोनॉमी एज वेल एज एक्सेप्टेंस इश्यूज। ठीक है, लोग दूसरों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। आइए अब आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग्स। इनर फीलिंग्स मतलब कि इंटरनली कुछ पर्सन की डिज़ायर है, थिंग्स हैं, पर्सनल सिक्योरिटी है, इस तरीके के रिस्पॉन्सेस मिल सकते हैं। इसमें 3 विशेस, मान लीजिए 3 या इससे ज़्यादा विशेस करने के लिए दे दिया जाता है और उन विशेस को उनको ड्रॉ करना होता है। ठीक है, जिससे उनके गोल और विशेस के बारे में जान सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ परसेप्शन में सेल्फ पोर्ट्रेट करने को कहा जाता है, जिससे क्लाइंट्स के बारे में जाना सके कि वो अपने लिए क्या सोचता है। और ड्रॉ योरसेल्फ एज एन एनिमल, और जो भी एनिमल वो ड्रॉ करेगा उसके बेस पर उसके सेल्फ परसेप्शन को जाना जाता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, पोर्ट्रेट ऑफ ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स किसी का भी या सबका जो भी वो चाहे वो ड्रॉ कर सकता है, जिससे पता चलेगा कि ग्रुप मेंबर्स के बारे में क्या सोचता है। ग्रुप मोरल, ये टेक्निक्स बेसिकली बहुत लार्ज अमाउंट पे प्रोजेक्ट पे यूज़ की जाती है। मान लीजिए किसी कंपनी में यूज़ की, किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए यूज़ की कि जो साथ करने वाले वर्कर्स हैं उनके बारे में इंडिविजुअल पर्सन क्या सोचता है, इस तरीके की चीज़ों को जानने के लिए इस टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। द इंडिविजुअल प्लेस इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो क्लाइंट है उसका अपना इंडिविजुअल प्लेस कहाँ है, इसलिए उसके हाउस, ट्री, पर्सन, इन सारी चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है और इसके थ्रू जाना जाता है। ठीक है, कॉलेज एंड असेंबली, ओके, इस टेक्निक्स में क्लाइंट को एक थीम दे दिया जाता है, या तो थीम दिया जाता है जो कि उसे अपीयर करना होता है, अपीयर बाय देमसेल्फ, या तो फिर वो खुद से कोई भी पर्सनल वर्ल्ड जो उसके माइंड में हो, कोई थीम हो, वो उसको क्रिएट कर सकता है जो कि सोचता है। तो जिससे हम पर्सन के इंटरनली जो मूवमेंट हैं, जो उसकी अपनी दुनिया है उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये था टेक्निक्स ऑफ आर्ट थेरेपी और पूरा आर्ट थेरेपी के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।